व्हाट्स अप गाइस, ये है मेरे पास टोयोटा मार्क एक्स 3.0 प्रीमियम। ये 2006 मॉडल है, 2004, 5, 6, 7 और 8 एक ही शेप दी थी जापान ने। अब आज मैं आपको इसका दिखाऊंगा जब आप इसका बैटरी टर्मिनल उतार देते हैं गाड़ी से, उतार के दोबारा लगाते हैं फॉर एनी रीज़न, लाइक आपकी बैटरी चेंज होनी है या आपने कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करवाना है, तो इसके चारों पावर विंडोज़ जो हैं वो वर्क करने बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है ये ऑल पावर है, लाइक ऑल ऑटो वर्क, जस्ट वन क्लिक और वो शीशा ऊपर चला जाएगा, तो ये वर्किंग करने बंद कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा कि इसको दोबारा कैलिब्रेशन इसकी कैसे की जाती है। लेट सपोज हमने स्टार्ट की गाड़ी, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब आप इसमें देखिएगा, शायद आपको बीप नजर आए, ये देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी की कैलिब्रेशन होने वाली है। तो अब मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा, देखिए अगर हम ये दबा रहे हैं तो शीशा नीचे नहीं जा रहा, कोई शीशा भी काम नहीं कर रहा। इसका तरीका ये है कि सिर्फ ये वाला आपका वर्क करेगा, वो भी ऑटो नहीं, आपने इसे नीचे करके रखना है, जब ये नीचे चला जाए 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर उसके बाद आपने इसको इसी तरह ही ऊपर जब शीशा चला जाए 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। एक हो गया, इसी तरह बारी बारी हर शीशे पे जाके आपने, हर विंडो पे जाके, हर पावर विंडो पे सेम प्रोसीजर करना है, होल्ड करके रखना 4 सेकंड और ऊपर करके होल्ड करके रखना 4 सेकंड। अब देखिए एक्टिव हो गया ऑटो पावर, कैलिब्रेशन इसकी हो गई है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसे यूज करके, देखिए वन क्लिक, जस्ट वन क्लिक एंड हियर यू गो। सो आई होप आपको मेरी हैक वीडियो या आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसी तरह की मज़ीद वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय माय ब्यूटीफुल बीस्ट, टेक केयर।